आपको बताते चले, जनपद उन्नाव के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत परियर चौकी में पड़ने वाले गांव सुबह खेड़ा में गोली चलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई, जिसमें एक युवक गोली लगने से गंभीर हालत में है। उसके भाई सुबह खेड़ा निवासी सीताराम पुत्र कटकिली ने जिला अस्पताल में वापस आकर सफीपुर कोतवाली पहुंचकर सुबह लगभग 5 बजे पहले, जिसे बताया है कि मेरा सगा भाई सुरेश लोधी उम्र लगभग 50 वर्षीय पुत्र कठिली देर रात शौच के लिए घर के बगल खेत में शौच के लिए गए थे, जहां पर गांव के ही बैजनाथ पुत्र दुलारे बबलू पुत्र बैजनाथ शिव बरन पुत्र बैजनाथ कुमारे पुत्र जिला ने सुरेश को घेर कर उसके सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। जब वे अपनी जान बचाकर घर की ओर भागने लगे तो पीछे से गोली मार दी। गोली घायल के पैर में लगी। गोली की आवाज सुनकर गांव व परिवार के लोग उधर दौड़े। परिजनों को आता देख हमलावर वहां से भाग निकले। परिजन आनन फानन में घायल को जिला अस्पताल ले गए, जहां पर घायल की अभी भी नाजुक स्थिति बनी हुई है। वहीं पुलिस ने घायल हुए व्यक्ति के भाई की तहरीर के आधार पर चारों अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन देवराज के साथ अवधेश कुमार सिंह की खास रिपोर्ट।